हेलो दोस्तों, मैं थोड़ा अपना वैद्य नेमपाल सिंह। अज आपां गलबात करांगे जिहड़े वीर पशु पालक हन ते पशु पालदे हन, गावां मझां जिन्हां दे रखियां होईयां हन। कई बारी गावां मझां नूं भार पैण दी समस्या आ जांदी है, उस भार पैण दी समस्या नूं आपां किवें दूर कर सकदे हाँ, इस बारे अज आपां तुहाडे नाल गलबात करांगे ते तुहानूं दस्सांगे कि पशु नूं किस तरह का तुसीं इह जिहड़ा खाणा देना है, दाणा देना है, ठीक जा के पशु की जी है भार पैण की समस्या हमेशा हमेशा वास्ते दूर हो जाए। सब तो पहला तुसी मेरे इस चैनल जे हाले तक सबसक्राइब नहीं किया कर दो, लाइक शेयर करो ता कि यह वीडियो होर वीर तक भी पहुँच सके। आओ आप इस विषय बारे गलबात करते हाँ। की लेना है? हाथों से लाने वाली हरी मेहंदी 250 ग्राम, कणक का दाना 1/2 किलो, सरों की खाल 1/2 किलो, गूंद कतीरा 50 ग्राम, जां गूंद कतीरे की जगह पर आप किकर की गूंद भी ले सकते हाँ, वह भी इन्नी 50 ग्राम ही लेनी है। नमक आयोडाइज्ड 1 चम्मच, हालों 1 चम्मच, गुड़ जां शक्कर 250 ग्राम। हुण आप इस सारे मिक्सचर का पाना किवें तैयार करना है, की समान होर चाहिए, ये तो अपन ये समान हो गया। हम तैयार करने वास्ते अपन की चाहिए है, एक कड़ा लेना है अनलग ते नवा। अनलग नवा कड़ा लैके उहदे विच 5 तो 6 लीटर तुसी पानी पा देना है ते उहदे विच इह सारा समान पा देना है, पा के ते ढक देना है। जिहड़ा तुसी इह मिक्सचर आथण वेले भिओंगे उहदे विच गुड़ जां शक्कर दोवां चों इक तुसी डिसाइड कर लेनी, वह पाउणी लाजमी है क्योंकि ये आपां काढ़ा पशु नूं खाली पेट सवेर वेले भिओंना है। तो इस ही कड़े दे विच इह सारा समान दुबारा पा के फिर भिओं देना है, सिर्फ गुड़ जां शक्कर नूं छड्ड के बाकी सारा समान पाउणा है। जिहड़ा आपां सवेर वेले भिओंना है ते शाम नूं पशु नूं पिआउणा है उहदे विच गुड़ शक्कर नहीं पाउणी। जिहड़ा शाम नूं आपां पिआउणा है ते सवेर वेले पशु नूं पिआउणा है उहदे विच गुड़ जां शक्कर पाउणा लाजमी है। ये शाम वेले जिस टाइम तुसीं पशुआं नूं पानी पिलाउंदे हन उदों इह सारे मिक्सचर नूं तुसीं इह पशु नूं पिआ देना है ते इह लगातार 2 हफ्ते देना है ते इहदे नाल पशु नूं भार पैण दी जिहड़ी समस्या हमेशा हमेशा वास्ते दूर हो जाएगी क्योंकि प्रजनन अंग आ जिहड़े कई बार लूज़ हो जाते हैं, कई बार गर्मी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, कई बार पेट के जो बच्चा है वह आकार साइज जरा वड्डा होता है तो इस करके ये समस्या पशु नूं आउंदी है। तो ये समस्या ज़्यादातर पशु नूं सूण वेले दे आस पास आउंदी है ते कई बार सूण तो बाद भी पशु नूं ये समस्या बनी रहिंदी है। तो ये तुसीं बेधड़क बेखौफ हो के पशु नूं ये तरह का पाना बना के पशु नूं पिलाओ ते पशु नूं इस भार पैण दे रोग तो मुक्ति दवाओ। जे फर्ज करो ये सारा समान देंदे देंदे ते विच दी भार दी समस्या आ जाए तो फिर उहनूं किवें हैंडल करिए, फिर हुण की करना है? 50 ग्राम फटकड़ी नूं 2 लीटर पानी दे विच पा के उबाल लेनी है। फटकड़ी लेनी है सफेद रंग की, सफेद रंग की चिट्टी फटकड़ी लैके 2 लीटर पानी दे विच पा के उबाल लवो। जदों पानी दे विच तुसीं उबालोगे फटकड़ी खुर जाएगी, पानी ठंडा हो जाण ते जदों पानी ठंडा हो गया तो पानी दे नाल हाथ तुसीं धो लेने हैं तो वह जिहड़ा पानी है पशु के उस प्रजनन अंग ते भार दे उत्ते छिड़कना है, धोना है सवार के, क्योंकि फटकड़ी दे पानी धोण दे नाल एक तां पशु का जिहड़ा प्रजनन अंग जाने के सूह है वह टाइट हो जाती है तो उस नाल जिहड़ा भार दे उत्ते किसी तरह का कोई इनफेक्शन है, कोई घट है जां कोई सोज है वह सारे दूर हो जाएंगे क्योंकि फटकड़ी दे नाल जिहड़ा उत्थे रेशा है किसी तरह का उपर पशु दे उस अंग दे उत्ते तो वह उस नाल अंग दे नाल उह धोता जाएगा फटकड़ी दे पानी दे नाल ते उह जिहड़ा सारा हैगा इनफेक्शन वाला कोई चीज़ कोई वायरस है वह हट जाएगा। तो उहदे नाल की हो जाएगा जदों पशु दे तुसीं प्रजनन अंग नूं फड़कड़ी वाले पानी दे नाल धोओगे तो वह अंग आ जिहड़ा श्रिंक हो जाएगा, सुंगड़ जाएगा, टाइट हो जाएगा तो उहदे नाल भार की समस्या जिहड़ी नहीं रहेगी। तो जो भार पवेगा, मान लो सपोज करो कि भार पै गया, तुसीं इस तरह करना है तो अपने हाथ धो के हत्थां दे नाल ही भार नूं पशु के अंदर वाल धक्कना है, किसी चप्पल
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਪਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਜਾਂ ਗੂੰਦ ਜਾਂ ਹਲ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।